मैं नीरज कुमार राठौर। आज घमासान.com के स्टूडियो में हमारे बीच में ज्योति सुराना मैडम है, जो कि इंटरनेशनल ट्रेवलर है, NRI है, अमेरिका में भी रहे हैं, सोशल रिफॉर्मर हैं और समाज और राष्ट्र के लिए आपने काफ़ी अभियान चलाए हुए हैं। यहाँ पर आप यहाँ पर व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं और पिछले 5-6 सालों से आपने काफ़ी कुछ यहाँ पर इंदौर में किया है। ज्योति मैम, आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूँगा। आपने स्वच्छता को लेकर एक बहुत बड़ा अभियान स्टार्ट किया था 5-6 साल पहले, आपका एक वीडियो भी वायरल हुआ था रेसिडेंसी कोठी का, उसके बाद से यहाँ पर काफी अवेयरनेस आई है। तो अभी जो स्वच्छता का जो लेवल इंदौर ने मेंटेन किया है, उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया? नीरज, 5 साल पहले का इंदौर मैं सोचती हूँ ना, तो थूकदान पीकदान था, पूरा गार्बेज था। और मैं जब अमेरिका से आई थी तो रियली मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी। और जो मेरा, मैं हर जगह जाती थी, कचरा उठाती थी और मैं सोचती थी कि क्या करूं यार, कैसे बदलाव आए। और आज जब मैं देखती हूँ ना, तो 5 साल में रियली इट इज अमेजिंग। मतलब इंदौर में इतने कम लोग, अब आप देखिए कि जब हम चलते हैं तो बहुत कम जगह आपको थूक मिलेगी या लाल लाल मिलेगा, कचरा तो एकदम आपको मिलता ही नहीं है। तो आज जो इंदौर में परिवर्तन आया है, वो बहुत ही खूबसूरत परिवर्तन है। और सबसे अच्छी बात है नीरज की, लोगों ने इसको समझना शुरू किया है। सबसे अच्छा चीज है कि जो जिस बात को लोग इसको एक नहीं सोचते थे, आज सोचना चालू किया है कि नहीं, ये सच में गलत है और इसको हमें अपने में सुधार लाना चाहिए। तो ये सबसे अच्छा परिवर्तन है। इसके बाद सेकंड आपका क्या चल रहा है अभी? आपने पार्किंग को लेकर भी समस्या को उठाया है कि इंदौर का जितना भी फुटपाथ है, वो पार्किंग में कन्वर्ट हो चुका है, इससे जो पैदल चलने वाले राहगीर हैं उनको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो इसको भी आप उठा रहे हैं क्या? ये मेरा बिल्कुल, ये मैंने इसके ऊपर काफी दिनों से मेरा दिमाग चल रहा था। और क्योंकि जब भी मैं पैदल चलती थी तो मैं देखती थी कि मुझे गाड़ियों के बीच में चलना पड़ रहा है, क्योंकि फुटपाथ पे तो कार की पार्किंग होती थी, तो और वो इतना अनकंफर्टेबल होता था कि मैं कभी पीछे देख रही हूँ कि कहीं मुझे कहीं दूसरी कार आगे हिट ना कर जाए या आगे वाले की रिएक्शन क्या हो, तो ये मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लगता था और मुझे मेरी सेफ्टी नहीं लगती थी जब मैं चलती थी। तो मैंने इस बात के लिए बहुत लोगों से बात की, तो जो पैदल चलने वाले हैं वो ज्यादातर कामकाजी लोग होते हैं। और इवन तो मैंने देखा कि जो स्वीपर जो झाड़ू लगाते हैं, तो चलाने वाले ध्यान नहीं रखते और कई बार वो हिट हो जाते हैं, कई बार वो हिट हो जाते थे। तो मैं काफी लोगों से बात की और लगा कि एक रियली में इस बारे में सबका ध्यान जाना चाहिए और फुटपाथ को फुटपाथ बने रहने देना चाहिए और पार्किंग की जगह पे पार्किंग होनी चाहिए, क्योंकि पूरे विश्व में फुटपाथ होते हैं और पार्किंग होती है। तो ये चीज का और हमारे इंदौर की नगर पालिका का और एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान जाना ही चाहिए और उनको ये व्यवस्था, क्योंकि अब हम एक तरफ कहते हैं कि इंदौर एक मेट्रोपॉलिटन सिटी बन गया है और एक मोस्ट ग्रोइंग स्मार्ट सिटी होने जा रहा है, तो यह जब हम स्मार्ट सिटी का नाम इसको देना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज आती है व्यवस्था, सिविलाइज्ड व्यवस्था। और यह व्यवस्था इंसानों के लिए, ना कि सामान के लिए, क्योंकि जब हमारे पास में इंसानों के लिए व्यवस्था नहीं है तो फिर ये सिविलाइज्ड या स्मार्ट सिटी नहीं बन सकता है। तो मेरा एक इसके ऊपर मैं एक कैंपेन चला रही हूँ जिसमें कि मैं लोग भी इन्वॉल्व है, क्योंकि हमारी यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन और जनता ये दो अलग अलग चीजें नहीं है, ये दोनों एक चीजें, एडमिनिस्ट्रेट भी मेस्टअप है और जनता भी मेस्टअप है, दोनों में ही डिसिप्लिन नहीं है। तो इस डिसिप्लिन को एक अवेयरनेस प्रोग्राम के थ्रू, एक कैंपेन के थ्रू मैं इसको चालू करने जा रही हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि ये हमें फुटपाथ चलने के लिए ही एक दिन खाली मिलेंगे। एक और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि रिसेंटली आपने सोशल मीडिया पे जो आजकल एब्यूसिव लैंग्वेज यूज की जा रही है लोगों के द्वारा एक दूसरे को ट्रोलिंग करने के लिए, उसके ऊपर भी आपने आपत्ति ली हुई है,
तो उसमें आपने उसमें क्या परिवर्तन चाहते हैं आप? देखिए नीरज, अब हम एक सिविल जिसको कहते हैं ना सभ्य नागरिकता की ओर बढ़ रहे हैं। जानवरों में और इंसानों में थोड़ा फर्क होता है और हमारे इस एजुकेशन का मतलब होता है कि एक ऐसा माहौल तैयार किया जाए जिसमें एक इंसान दूसरे इंसान से परेशान ना हो और उसमें शब्दों का बहुत ज्यादा महत्व होता है। मैं सोशल मीडिया पर जाती थी और मैं देखती थी कि लोग बहुत गंदी भाषाओं का प्रयोग करते हैं, स्पेशली माँ बहन की गालियों का। उन्हें पता ही नहीं होता और वो इतनी गंदी गाली का प्रयोग करते हैं और इसका सीधा सीधा मतलब बहुत गंदा होता है कि आप माँ बहन के साथ सेक्स कर रहे हो। आप देखिए एक आप कैसे एक औरत को इतनी गंदी गाली से, आज के युग में हो सकता है पुराना टाइम कुछ और रहा हो, आप कैसे बोल सकते हो? जहां हम इक्वलिटी की बात करते हैं वहां हम कैसे ऐसी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं? और आप सोशल मीडिया में तो कतई नहीं कर सकते हैं। दूसरा, मैंने बहुत बार मैं कोर्ट में गई हूँ, मैंने वकीलों को देखा है, वकील खुलेआम ऐसी गालियों का प्रयोग करते हैं, पुलिस वाले ऐसी गालियों का प्रयोग करते हैं। गुस्सा करना ठीक है, आपका अधिकार है, पर ऐसी गालियों का प्रयोग करके तो कोई जरूरी नहीं है कि आप गुस्से का इजहार करेंगे। तो ये मेरा एक बहुत बड़ा कैंपेन है कि आप अगर आप वास्तव में एजुकेशन को अपना मुद्दा मानते हैं और आप चाहते हैं हमारे देश में कि एजुकेशन बहुत जरूरी है, तो फिर आपको अपनी भाषा के प्रयोग को भी सोच समझ के इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। और ये चूंकि ये मैं एक औरत हूँ और मैं ऐसी भाषा को बिल्कुल भी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती, मतलब औरत होने के नाते तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। और इसके लिए मैंने एक कैंपेन चालू कर दिया है और मैं जहां भी लोगों के मुंह से ये सुनती हूँ या मैं कहीं भीड़ दिखती है तो मैं पूछती हूँ कि आप लोगों में से कौन कौन लोग इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं और क्यों करते हैं। आप एक बार सोचना चालू कीजिए कि ये क्या एक उचित भाषा है, और अगर आप ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे तो कौन औरत आपको खाना बना करके देगी या कौन औरत बच्चे पैदा करेगी, ये मुझे बताएं आप, क्योंकि ये बहुत गंदी भाषा है। तो ये मेरा एक सामाजिक बदलाव का एक कैंपेन है और जो मैं बहुत स्ट्रांगली इसको आगे बढ़ाने वाली हूँ। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचें।